हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RCI केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज। तो स्टूडेंट, इससे पहले हम तीन टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं। तो आज हम रेट ऑफ रिएक्शंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं उनको हम सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, न्यूमेरिकल दिया गया है, उसमें बोला है ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दी है, वो क्या है, R से कन्वर्ट हो रही है P में, और यहाँ पर बोला इट इज ऑब्जर्व दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कैसे हो रही है, डिक्रीज हो रही है आपके पास में फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स टू 0.2 मोल लीटर इनवर्स। कितने से कितने में जा रही है, 0.5 से 0.2 में। कितना टाइम लग रहा है, इन 30 मिनट्स। तो कैलकुलेट द एवरेज रेट इन मिनट्स एंड इन सेकंड। तो आपको स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर एवरेज रेट कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले जो एवरेज रेट होगी उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। R एवरेज क्या होता है, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। तो सबसे पहले हम R एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। R एवरेज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल सी अपॉन डेल टी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बोल रहा है आपके पास में कि कैलकुलेट द एवरेज रेट, और किसकी एवरेज रेट कैलकुलेट कर आपके पास में, रिएक्टेंट की करवा रहा है। तो रिएक्शंस को लिख लो आप यहाँ पर कि R कन्वर्ट हो रहा है किसमें, P में कन्वर्ट हो रहा है। R टी इक्वल 0 सेकेंड, और टी जो होगा यहाँ पर होगा आपके पास में 0 मिनट, और एक है 30 मिनट। स्टूडेंट ध्यान दें, जब रिएक्शन स्टार्ट हो रही थी उस टाइम पर जो हमारे पास टाइम था वो 0 मिनट थी, और 0 मिनट जब था, जब हमारे पास में रिएक्टेंट की जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है वो दी गई है, वो कितनी दी गई है हमें, 0.5 मोल लीटर इनवर्स। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R1, ये कितनी दी गई है, 0.5 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, T इक्वल 30 मिनट्स कि जब ये रिएक्शन 30 मिनट तक प्रोसीड कराई जाती है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होकर कितना रह जाती है, वो रह जाती है R2 0.2 मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पर आपको लगाना है R एवरेज का फॉर्मूला, और जो हमें यहाँ पर रेट कैलकुलेट करनी है वो किसकी करनी है, रिएक्टेंट की। तो हम यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे या प्लस साइन लगाएंगे स्टूडेंट, तो कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि जब भी हम रिएक्टेंट की रेट निकालते हैं कौन सा साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है पासिंग द टाइम क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें लिखना होगा R एवरेज माइनस डेल R अपॉन डेल टी माइनस, स्टूडेंट यहाँ पर देखना जो डेल आर दिया हुआ है ये क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिखेंगे R2 माइनस R1, ये फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन। और टाइम इंटरवल जो यहाँ पर दिया हुआ है T2 माइनस T1। चलो स्टूडेंट डाटा पुट करते हैं, माइनस आपको यहाँ पर R2 कितना दिया गया है, 0.2, और R1 कितना दिया गया है, 0.5। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 0.5 T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल कितना दिया गया है, T1 ये होगा, T2 ये हो गया, ये आपको दिया गया है 30 मिनट्स, यहाँ पर आ जाएगा 30। ठीक है स्टूडेंट, ये जो आपके पास कंसंट्रेशन थी ये थी मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पर क्या दिया आपको, मिनट्स दिया है टाइम। तो आंसर क्या आएंगे, माइनस 0.3 अपॉन 30, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन 300। अगर इसको हम यहाँ से स्टूडेंट सोल्व करें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 100, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्या आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट, हमारे पास जो आंसर आएगा
यहाँ पर आर एवरेज वो आ जाएगा 10^-2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये तो स्टूडेंट हमारे पास जो रिएक्टेंट की जो रेट आई है ये है मिनट में, लेकिन हमें रिएक्टेंट की जो रेट अभी कैलकुलेट करनी है वो किस में करनी है, सेकंड में। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं एक मिनट जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 60 सेकंड के। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको पता ही होगा क्या करना होगा, इसको 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास में, आर 10^-2 60 आंसर आएगा 6.6 बोल देता हूँ मैं इसको, 0.6 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल पहला वापस से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ था न्यूमेरिकल दिया हुआ था, इसको हमने सोल्व किया, इसमें हमें कैलकुलेट करना था कि हमें रिएक्टेंट की डिक्रीजिंग रेट हमें कैलकुलेट करनी थी और ये कैलकुलेट होगी आर एवरेज से। यहाँ पर हमें ये दिया है R1, ये दिया है R2 और टाइम इंटरवल दिया हुआ है 30 मिनट्स दिया हुआ हमें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो पर। क्वेश्चन नंबर दो की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर बोला गया है इन द रिएक्शन 2A कन्वर्ट हो रही है B+4C, द कंसंट्रेशन ऑफ C इज इंक्रीज बाई 2×10^-2 मोल लीटर इनवर्स इन 10 सेकंड। तो यहाँ पर जो C की जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट वो इंक्रीज हो रही है, कितने सेकंड लग रहे हैं उसमें, 10 सेकंड लग रहे हैं। आगे बोला गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B एंड द रेट एट विच ए डिसअपीयर। इसने सीधा सीधा बोला है कि आपको बी की फॉर्मेशन की रेट कैलकुलेट करनी है और ए के रिड्यूस होने की रेट कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट अभी हमने बोला था कि रिएक्शन की जो रेट है और स्टोइकोमेट्री है उसमें अभी हमने रिलेशन निकाला था कि रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री। तो स्टूडेंट वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखें स्टूडेंट हमें दिया गया है रिएक्शन 2A कन्वर्ट हो रही है B+4C। हमने वहाँ पर बोला था अगर मान लो यहाँ पर बात करें डिसअपीयर की बात करें या फिर हम बोलें यहाँ पर फॉर्मेशन की रेट की बात करें तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला निकालना है, हम R एवरेज निकाल लें या R इंस्टेंट निकाल लें। तो देखो -1/(N1)∆A/∆t इक्वल होगा प्लस, ये प्लस क्यों आ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन की रेट आएगी क्या दिएगा, ∆B/∆t(1/N2) इक्वल होगा 1/(N3)∆C/∆t। तो स्टूडेंट देखना है ये जो N1 था इसको हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर कोफिशिएंट बोलेंगे। जो हमें कितना दिया गया है यहाँ पर हमें दिया गया है -1/(2)∆A/∆t इक्वल हो जाएगा +1/(1)∆B/∆t इक्वल हो जाएगा 1/(4)∆C/∆t। हमें किसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखो आपको दिया गया है यहाँ पर सी के इंक्रीज होने की आपको क्या दी गई, यहाँ पर कंसंट्रेशन दी गई है और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन जो इंक्रीज हो रही है उसमें कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर यही फॉर्मूला लिखते हैं, देखना कि 1/4 और ∆C/∆t, डेल सी हमें कितना दिया गया है 2×10^-2 और ∆t कितना दिया गया है 10 सेकंड दिया गया है। तो इसको लगाओ यहाँ से फॉर्मूले में क्या बोलोगे, 1/4×10^-2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा पास में, 10 आ जाएगा। ये तो स्टैंड आ गया आपके पास में ये, अब इसको हम इक्वल कर देंगे 1/(1)∆B/∆t। तो स्टैंड यहाँ से हमारे पास में क्या निकल के आ रहा है, 1/4×10^-3
इस क्वेश्चन को अगर न्यूमेरिकल हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आएंगे वो आएंगे 0.25 × 10⁻³। इसको अगर हम आगे सोल्व करें तो हो जाएगा मोल लिटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगी रेट ऑफ फॉर्मेशन बी। ये हमारे पास में क्या आएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमें कैलकुलेट क्या करना है, रेट ऑफ रिड्यूस ए, हम बोलेंगे रिएक्टेंट कितना डिसअपियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 सीधा सीधा लगाते हैं, ये 1/4 है, डेल सी हमें कितना दिया है 2 × 10⁻², डेल टी कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। इसको किसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, या फिर इसको किसके इक्वल कर देंगे, इसके इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमने बोला था कि जितने भी रिएक्टेंट हैं उन सभी रिएक्टेंट की जो रेट है और प्रोडक्ट की रेट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं जब अगर उनके मोलर कोफिशिएंट से उनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखना यहाँ पर है, आपके पास में जो बनेगा क्या होगा, 1/2 − ∂A/∂t 1/4 × 10⁻², 10। स्टूडेंट यहाँ से निकल जाएगा ∂A/∂t, ए के डिसअपियर होने की रेट क्या हो जाएगी, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये तो ए के डिसअपियर होने की रेट आ गई, और ये हमारे पास में क्या आ गई, बी के फॉर्मेशन की रेट आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है हाउ द इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एन टू, ये जो रिएक्शन दी गई है बोला कि N2 + 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। तो इसने बोला कि आपके पास में जो इंस्टेंट जो रेट होती है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सीधा सा फॉर्मूला हमारे पास में, हमने बोला था कि रिएक्शन की रेट जो होगी, तो हमने बोला था रिलेशन इन बिटवीन रिएक्शन रेट एंड स्टोइकोमेट्री, बस हो गया सवाल सोल्व। तो यहाँ से हमारे पास में आंसर क्या जाएंगे, आर इंस्टेंट क्या हो जाएगा, 1 − 1/N1, यहाँ पर क्या जाएगा ∂N2/∂t इक्वल −1/, देखो यहाँ पर जो N1 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें 3, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 3, इसको बोलेंगे ∂H2/∂t इक्वल हो जाएगा +1/2 ∂NH3/∂t, ये रिलेशन यहाँ से निकल कर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब बाकी जो बातें बच गई हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक आप इन क्वेश्चंस को घर पे सोल्व कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है, तो आप हमें आकर संपर्क कर सकते हैं, विद्यालय में हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू क्लास।